सख्त वज़ीरे आज़म इमरान खान इजहार ख्याल कर रहे हैं। आज मैं यूनिवर्सल सर्विस फंड यूफोन और जैज जो इन्होंने आज एमओयू साइन किया, मैं इसको एक बड़ा एक अपने मुल्क के लिए खुशाइन चीज समझता हूँ। सबसे पहले तो उसकी वजह ये कि जो हमारी विजन है कि पाकिस्तान में गरीब लोगों को जो पीछे रह गए हैं उनको ऊपर लेके आना और गरीब इलाकों को जो इलाके पीछे रह गए हैं उनको ऊपर लाना, ये उस विजन के अंदर बिल्कुल फिट करता है। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि ये उन इलाकों के अंदर सिंध के अंदर जो अंदरून सिंध में गोट की सखर के उसके इर्द गिर्द जितने इलाके हैं वो बुरे हालात हैं, मैं खुद देखा हुआ है। और बलूचिस्तान के अंदर बहुत गुर्बत है, बड़ा फैला हुआ इलाका है और उसके अंदर कई एरियाज के अंदर हमने निगलेक्ट किया, यानी जिधर से सुई गैस भी निकली उस इलाके को भी, हालांकि सारे पाकिस्तान में सुई गैस सप्लाई हुई लेकिन वो उसके इर्द गिर्द जो इलाका था वो बिल्कुल स्टोन एजेस के अंदर है, पीछे रह गया बिल्कुल। तो ये एक जो लॉपसाइडेड डेवलपमेंट हमारे मुल्क में होती है इसके बहुत बुरे असरात होते हैं माशरे पे, दुनिया में भी। जब ये जो दुनिया की डेवलपमेंट है इसके अंदर भी आप देखते हैं कि जब गरीब मुल्क गरीब तर होते जाते हैं और पैसा सारा एक्यूमुलेट पैसे वाले मुल्कों में हो जाते हैं और वो सारे जो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के भी कानून बनते हैं तो वो सिर्फ उन ताकतवर मुल्कों को प्रोटेक्ट करते हैं, कमजोर मुल्कों को प्रोटेक्ट नहीं करता। तो उसका नतीजा फिर होता है ये जो एक इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं बेचारे किश्तियों में जा रहे होते हैं, कोई डूब रहे होते हैं, बच्चे लेके जा रहे होते हैं और फिर वो फेंस लगा रहे होते हैं और दीवारें बना रहे होते हैं इन लोगों को बाहर रखने की। ये एक जब दुनिया के अंदर एक जब डेवलपमेंट अनइक्वल होती है, इंसाफ के ऊपर नहीं होती, उसके अंदर फिर एक दुनिया को भी माशरे को भी उसके असरात का सामना करना पड़ता है। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से यही सिस्टम रहा है, तालीम का निज़ाम भी ऐसा कि छोटे से तबके के लिए इंग्लिश मीडियम और अच्छी तालीम, बाकी हमने निगलेक्ट कर दिया कि बाकी दीनी मदरसों में क्या तालीम दी जा रही है कि वो बच्चे 21वीं सदी में जा सकते हैं, या उर्दू मीडियम जो एक वक्त पे गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम बेस्ट इंटेलेक्चुअल्स पाकिस्तान के वहां से आते थे, और आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश मीडियम स्कूल की दुकानें खुल गई पैसे बनाने के लिए और जो गवर्नमेंट स्कूल थे वो और पीछे चले गए। तो ये हमारे मुल्क में अगर एक वजह मैं बताऊं कि हम अपने पोटेंशियल पे नहीं पहुंचे कि 60s के अंदर पाकिस्तान, मैं लोगों को याद करवाता हूं कि सारे खित्ते में सबसे तेजी से डेवलप हो रहा था, दुनिया मिसाल देती थी पाकिस्तान की। और बड़े बड़े ये जो आज मुल्क हैं साउथ कोरिया और मलेशिया जैसे जो हमारे से बहुत आगे निकल गए, ये पाकिस्तान को देखते थे, पाकिस्तान रोल मॉडल था उनका डेवलपमेंट का। तो हम पीछे इसलिए रह गए कि हमने हमारे जो प्लानिंग की गई वो सिर्फ एक एलीटिस्ट कल्चर एलीट कैप्चर, सारा कुछ एक छोटे से तबके के लिए कॉन्सेंट्रेट हो गया। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे सारे बेहतरीन इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होता था, हम सब मैं मेरी फैमिली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पैदा हुई थी। तो आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स गरीबों के लिए रह गए और प्राइवेट हॉस्पिटल्स पैसे वाले लोगों के लिए, जो कि एजुकेशन सिस्टम में भी यही हुआ। तो ये जो आज हमने ये एमओयू विटनेस किया है ये बड़ी पॉजिटिव चीज है कि हमने ये सोचा कि वो जो सबसे पीछे इलाके हैं उनको हम कनेक्ट करें। कनेक्टिविटी हम सब जानते हैं कि एक बहुत जबरदस्त तरीका है लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर लाने के लिए। दुनिया में जब भी कनेक्टिविटी जाती है तो खुद ही वो इलाके ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, और ये हमने अपनी आंखों के सामने देखा। गिलगित बल्तिस्तान जब तक काराकोरम हाईवे नहीं बना था तो बिल्कुल वो एक ऐसी दुनिया में रहते थे लोग कि उसका कोई कनेक्शन ही नहीं था बाकी दुनिया से। मैं खुद गया हुआ हूँ ये हुंजा और नगर और इन इलाकों के अंदर, तो वहाँ लोग तो जब कोई आता था तो लोग सारा गांव निकलाता था बाहर, फल देता था आपको कि उन्होंने कभी बाहर से लोग ही नहीं देखे थे। तो लेकिन कनेक्टिविटी से आहिस्ता आहिस्ता स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनकी तालीम का निज़ाम, बल्कि कई इलाकों में हुंजा वैली में एजुकेशन
उनकी जो लिटरेसी रेट है वो बाकी पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। तो इसके बड़े फ़ायदे हैं, और ये जो मोबाइल फ़ोन है इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मोबाइल फ़ोन एक उन इलाकों के अंदर जिधर लोगों के पास तालीम नहीं पहुंची, वो मोबाइल फ़ोन की वजह से तालीम चाहते हैं। आप जो एडल्ट लिटरेसी के ऊपर हम इतना ज़ोर लगाते थे कि हमारे मुल्क में इतने लोग इलिटरेट हैं, मेरे घर के अंदर जितने भी मुलाजिम काम करने वाले थे सारे अब मोबाइल फ़ोन ऑपरेट करते हैं और ख़ुद ही सीख गए कि मोबाइल फ़ोन में कैसे, उन्होंने अंग्रेज़ी भी सीख गए और दो तीन तो अपनी फेसबुक अकाउंट्स भी खोल लिए। तो ये होता है एडवांटेज ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का है। और ये जो अब अगला दौर आ रहा है टेक्नोलॉजी जो कहते हैं कि फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ होगा। और ये जो कनेक्टिविटी है, बेहतर कनेक्टिविटी 4G और इंशाल्लाह आगे 5G, इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये जो कोविड के दौरान हमने जो वर्चुअल एजुकेशन सिस्टम शुरू किया TV के ऊपर, लोगों ये कैच ऑन कर गया, और ये हमें भी इससे अब आइडियाज़ मिला है कि उन इलाकों पे जिधर हम अच्छे स्कूल्स या टीचर्स नहीं भेज सकते रिमोट इलाकों में, उधर हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये वर्चुअल एजुकेशन सिस्टम। अब तो हमारी सारी कॉन्फ्रेंसेस भी वर्चुअल होती हैं, अब तो UN की जो जनरल असेंबली की मीटिंग भी वर्चुअल थी। तो ये बड़ा एक हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, और ये ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने उन इलाकों तक पहुँच जाएँ जहाँ बच्चों को अब तक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। मैं सिर्फ आखिर में स्ट्रेस करना चाहता हूँ, ये जो डिजिटल पाकिस्तान है ये है फ्यूचर पाकिस्तान का। और जो IT की मिनिस्ट्री है, अमीन आपकी मिनिस्ट्री अच्छा काम कर रही है, लेकिन अभी हमने बहुत और काम करना है। ये जो आपका आइडिया IT पार्क्स का, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर आपकी IT पार्क्स डेवलप होती हैं तो वो डायरेक्टली आपकी IT एक्सपोर्ट्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। और मुल्क हमारे से इसमें आगे हैं, लेकिन हमारे पास बहुत बड़ी एक एडवांटेज है। पाकिस्तान सेकंड यंगेस्ट पॉपुलेशन है दुनिया में, एक नौजवान आबादी है हमारे पास, यूथ है, वाइब्रेंट नौजवानों का पॉपुलेशन है। इसको अगर हम सही माने में अब इस तरफ चलें और इस्तेमाल करें IT को, कनेक्टिविटी को, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जिधर हम अभी तक अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सके, और ये हमारा बहुत बड़ी हैंडीकैप है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो जिस रेट पे बढ़नी चाहिए थी, एक 22 करोड़ के लोगों की सिर्फ 25-26 अरब डॉलर एक्सपोर्ट्स तो कुछ भी नहीं है। तो ये सिर्फ IT सेक्टर ही ऐसा है कि अगर हम इधर कॉन्सेंट्रेट कर लें तो इधर हमारी एक्सपोर्ट्स के ऊपर बहुत बड़ा इजाफा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।